एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक किचन टूर की वीडियो। और ये किचन टूर जो है वो एक विलेज किचन टूर है। बहुत लोगों का मानना है कि विलेज में किचन अच्छे नहीं होते हैं, घर अच्छे नहीं होते हैं। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि किचन जो है विलेज में भी अच्छा बनाया जा सकता है। हालांकि ये नॉन मॉड्यूलर किचन है, ये मॉड्यूलर किचन नहीं है, लेकिन मुझे स्पेशली बहुत अच्छा किचन लगा ये। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये किचन आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और चलते हैं किचन में। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग से इतना कहना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ गाइज, अगर आप मेरी रूटीन ब्लॉग देखना चाहते हो, मेरे जीवन की कुछ यादें देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पर जाके देखिए। मैंने वहाँ पे बहुत सारी रेसिपी, ब्लॉग, बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। तो आप मेरे फटाफट चैनल पे जाइए और वहाँ पर मेरे और भी वीडियो देखिए। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलें किचन में। तो हम आ चुके हैं किचन के मेन दरवाजे पर, और दरवाजे पे सबसे पहले आपको मिलता है फुट मैट, जिससे कि हम पैर पोछ के किचन के अंदर जाते हैं। किचन में फुट मैट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं अब आप लोग को दिखाती हूँ किचन का पूरा व्यू। तो कुछ इस तरह से ये दिखता है किचन, और ये 8x10 का किचन है। तो सबसे पहले मैं इस किनारे से स्टार्ट करती हूँ। तो सिंक के किनारे दिया हुआ है एक खिड़की, जो कि बाहर से इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि यहाँ मेन गेट है और उसके बाद खिड़की है, तो बहुत सुंदर लगता है ये बाहर से। उसके बाद ये है सिंक एरिया, और सिंक के सामने ही लगा हुआ है आरओ, जिससे कि पीने का जो पानी होता है वो निकाला जा सके। और इस तरफ आप देख सकते हो कि साबुन रखने के लिए बनाया गया है, ताकि जो साबुन है बर्तन धोने के बाद गले नहीं। और अब इस तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे जो पीने का पानी होता है ना, कुछ बॉटल में भर के इसमें रखा गया है, कुछ ग्लास रखे हुए हैं, और उस तरफ कुछ जो चाउमीन वगैरह बनाने के सामान, कुछ छोटे मोटे जो सामान होते हैं ना, वो छोटे छोटे डिब्बों में रखे गए हैं। एक यहाँ पे लंच बॉक्स रखा है, और यहाँ पे अभी अभी कुछ देर पहले ही चाय पी गई थी, तो वो कप धुल के रखा गया है। यहाँ पे इंडक्शन रखा है, और इस तरफ रखा हुआ है गैस चूल्हा। और ये गैस चूल्हा गाइस बहुत सालों पुराना है, और यहाँ पे देख सकते हो आपकी ये जो ऑन ऑफ का बटन है ना, वो भी टूट गया है। चूल्हे पे रखी हुई है एक कढ़ाई, क्योंकि पूड़ी तली गई थी, तो वो अभी यहीं पे रखी हुई है। और ये लगी हुई है चिमनी। किचन में चिमनी लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जो आपके किचन के डिब्बे वगैरह हैं ना, वो बिल्कुल साफ रहते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे खूब सारे स्टील के डिब्बे हैं, जिनमें बहुत सारे सामान रखे हैं जो कि किचन में यूज होते हैं। और इधर कुछ प्लास्टिक के डिब्बे हैं, कुछ अचार के डिब्बे हैं, कुछ दाल के डिब्बे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ रखी हुई हैं। और गैस चूल्हे के पास कुछ डिब्बे और रखे हैं, जिनमें रखा हुआ है चाय बनाने का सामान, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ बनती है तो वो होती है चाय। तो यहाँ पे चीनी, चाय पत्ती और कुछ चीज़ें और रखी हैं। स्टैंड रखा है जिसमें चाकू, लाइटर, ये चीज़ें रखी हैं। अदरक कूटने वाला रखा है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किचन के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हर घर में चाय बहुत ज़्यादा बनती है। और इसी दीवार पे दिया हुआ है चिमनी का प्लग लगाने के लिए। साथ में यहीं पे मिक्सी वगैरह का यूज होता है, जब मसाला वगैरह पीसना होता है। और इस तरफ लगा हुआ है बर्तन स्टैंड, लेकिन ये बर्तन स्टैंड अभी खाली है, क्योंकि सारे बर्तन धुल के बास्केट में रखे हुए हैं। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ एक वॉल डेकोर आइटम टंगा हुआ है, जिसको देखने से बहुत ही अच्छा सा लुक आता है किचन का, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुंदर लगता है। और यहाँ नीचे एक टेबल रखी हुई है, जिसपे मतलब कि कभी अगर आप खड़े खड़े थक जाओ तो बैठ सकते हो। दरवाजे के पीछे भी कुछ चीज़ें रखी हैं, जैसे कि ये सिवई हो गई, कुछ और जो डिब्बे वगैरह हैं वो रखे हुए हैं। जगह बनी हुई है तो रख दिया गया है। और अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे रखा हुआ है एक सिलेंडर, और साथ ही यहाँ पे रखा हुआ है सब्जी रखने वाला, जिसमें आलू प्याज रखा हुआ है अभी, और कुछ डिब्बे रखे हुए हैं। और ये है बर्तन धुल के रखे गए हैं, वो बास्केट जो मैंने बताया था वो। और ये दो टंकी रखी है, जिसमें कि आटा चावल रहता है। और ये है एक और डलिया, जिसमें कि सब्जियाँ वगैरह धुल के रखी जाती हैं। इस पूरे किचन को मॉड्यूलर बनाया जाएगा, लेकिन वो जब बनेगा तब बनेगा, और मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन अभी ये जो किचन टूर है, ये एक नॉन मॉड्यूलर किचन है और ये एक विलेज किचन टूर है। तो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए अभी इस वीडियो को करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।